सबसे पहले जो आज हम लोग टॉपिक करेंगे कवर, वो बेसिकली फर्स्ट रेवलेशन का टॉपिक है कि किस तरीके से होली प्रॉफिट के ऊपर जो है वो रेवलेशन आई थी, उस पे क्या क्या सवाल आ सकते हैं और किस तरीके से सर उस पे जो है पेपर आएगा। तो ये बेसिकली जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसका नाम है फर्स्ट रेवलेशन। हम बेसिकली जो शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं टॉपिक टू ऑफ पेपर वन, इस्लामियात हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान। और उसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग जो है वो आज कवर करेंगे, उसका नाम है फर्स्ट रेवलेशन, कि किस तरीके से हमारे पास जो उसके सवाल आएंगे और किस तरीके से हमें उसका पेपर सॉल्व करना है। अच्छा देखो, फर्स्ट रेवलेशन पे क्या सवाल आ सकते हैं, सही है। मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है वो एक टॉपिक करा रहा हूँ जिसका नाम है फर्स्ट रेवलेशन। सर, फर्स्ट रेवलेशन पे कितने मार्क का सवाल आ सकता है? और बेटा देखो, हमारे पास ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन टू में आता है, तो इस पे 10 मार्क का भी आ सकता है, इस पे 4 मार्क का भी आ सकता है। सर, 10 मार्क में इस पे कितनी दफा आया है? सर, 10 दफा, 10 मार्क वाला इस पे काफी दफा आया, लेकिन हमेशा एक ही आया है, तो सेम है, हमें एक ही दफा करना है। सर, और कौन सा आया इस पे? 4 मार्क का आया, 4 मार्क का सिर्फ एक ही सवाल इस पे आया है, क्यों? 4 मार्क के मोस्टली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन 4 मार्क का इस पे जो सवाल आया है वो सिर्फ और सिर्फ एक आया है। सर, सवाल किस टाइप का होता है? बेटा मैं आपको 10 मार्क का एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, वो आपसे सिर्फ सिर्फ बोलेंगे राइट अबाउट प्रॉफिट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रेवलेशन। ये सवाल आ सकता है 10 मार्क के अंदर, सही है। सर, और कोई वर्डिंग हो सकती है? जी बेटा बिल्कुल, और भी वर्डिंग्स हो सकती हैं, लेकिन आपको खुद ही मतलब उसका समझ आ जाएगा। सर, और क्या वर्डिंग्स होंगी थोड़ा सा हमें बताएं। राइट एन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन एंड द प्रॉफिट्स रिएक्शन आफ्टर वर्ड्स। ये एक सवाल आ चुका है। द फर्स्ट रेवलेशन केम टू प्रॉफिट मोहम्मद इन 610, डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस ऑफ दिस इवेंट। ये एक आ चुका है। गिव एन अकाउंट हाउ कुरान वॉज फर्स्ट रिवील टू प्रॉफिट, एक ये सवाल आ चुका है। तो इस तरीके के हमारे 10 मार्क में। सर, हम इसमें कितने पैराग्राफ्स बनाएंगे? बेटा आप इसके अंदर 3 पैराग्राफ्स बनाओगे। सबसे पहले P1, फिर P2 और फिर P3। P1 में आप क्या बताओगे? बैकग्राउंड। क्या बताओगे? बैकग्राउंड। P2 में क्या बताओगे? बेटा P2 के अंदर आप बताओगे इवेंट्स। P3 के अंदर आप क्या बताओगे? रिएक्शन आफ्टरवर्ड्स। सर, रिएक्शन आफ्टरवर्ड्स का मतलब, सर रिएक्शन आफ्टरवर्ड्स मुश्किल अल्फाज लिखवा रहा हूँ, लेकिन इसका आसान अल्फाजों में मतलब है कि वरका बिन नौफिल के पास जब गए थे तो उन्होंने क्या फरमाया था और क्या चीजें हुई थी, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है क्या होगा, इस पे सवाल क्या आएगा? इंट्रो। सर, हम इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखेंगे? बेटा आप इंट्रोडक्शन के अंदर है ना सिर्फ और सिर्फ सिंपल चीजें लिखोगे। सर, आप फिर भी बताएं हम इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखोगे? आप बोलोगे जैसे जैसे व्हेन प्रॉफिट नियर थे, किसके नियर थे? एज ऑफ 40। किसके नियर थे? एज ऑफ 40। तो होली प्रॉफिट जो थे वो अपने आप को दूर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दूर कर रहे थे। तो आप लिखोगे होली प्रॉफिट डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ
सर कहाँ से डिस्टेंस कर रहे थे, किस चीज से दूर हो रहे थे? बेटा ये दूर हो रहे थे फ्रॉम करप्ट सोसाइटी। सर करप्ट सोसाइटी किसकी बात हो रही है बेटा? होली प्रॉफिट से पहले ये जमाना जाहिलियत का कहलाता था, एज ऑफ इग्नोरेंस कहलाता था। तो आप ये बताओगे कि होली प्रॉफिट जो है वो अपने आप को करप्ट सोसाइटी से क्या कर रहे थे, दूर कर रहे थे। तो जब वो क्या करना शुरू हो गए, स्टार्टेड मेडिटेटिंग। स्टार्टेड मेडिटेटिंग सर कहाँ पे मेडिटेटिंग करते थे बेटा? ये करते थे केव ऑफ हेरा के अंदर। सर ये केव ऑफ हेरा कहाँ पर है बेटा? ये केव ऑफ हेरा है जबले नूर पर। कहाँ पर है? जबले नूर पर। अब उधर क्या करते थे, ये बेसिकली अकेले बैठते थे। मेडिटेटिंग का मतलब क्या होता है सर? मेडिटेटिंग का मतलब होता है बिल्कुल अकेले बैठेंगे और चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी कायनात जो चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। तो वो क्या करते थे, वहां मेडिटेट करते थे, देखते थे कि ये सारी चीजें कैसे चल रही हैं। तो उनको ये बात पता चल गई कि ये क्या है, अल्लाह ताला की उससे चल रही है। उसके बाद आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे इसके अंदर कि हमारे पास ये अपने साथ क्या लेके जाते थे, फूड सप्लायर। फूड सप्लायर में क्या लेके जाते हैं, वाटर प्लस डेट्स। इनको कौन वाटर प्लस डेट्स प्रोवाइड करते थे, हजरत खतीजा प्रोवाइड करती थी। सर हजरत खतीजा से शादी हो गई थी जी, बिल्कुल हो गई थी। किस तरीके से, होली प्रॉफिट की जब एज थी 25 तो शादी हो चुकी थी। ये जो बात हो रही है फर्स्ट रेवलेशन की, ये 40 साल की उम्र की बात हो रही है। और इसमें क्या होता था कि वो अपनी जब फूड सप्लाई उनकी खत्म हो जाती थी तो वो वापसी फूड सप्लाई लेके जाते थे और उसके बाद वापसी मेडिटेशन शुरू कर देते थे। तो ये आप सिर्फ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर बताओगे। सर क्या बताएंगे, हमें समझ कुछ भी नहीं आया बेटा। मैं वापसी क्लियर कर रहा हूँ, जब होली प्रॉफिट नियर एज ऑफ 40 थे तो प्रॉफिट ने क्या कर लिया था, डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द करप्ट सोसाइटी ऑफ मक्का। और उन्होंने क्या कर ली, स्टार्टेड मेडिटेटिंग। क्या कर दी, स्टार्टेड मेडिटेटिंग। और उन्होंने क्या करी, फूड सप्लाई वो लेके जाते थे अपने साथ केव ऑफ हेरा से। जब केव ऑफ हेरा पे वो फूड सप्लाई लेके जाते थे, क्या लेके जाते थे, वाटर और डेट्स। कौन प्रोवाइड करता था, हजरत खदीजा प्रोवाइड करती थी। सही है। अच्छा सर उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन में आप यही लिखोगे कि जब प्रॉफिट नियर एज ऑफ 40 थे, होली प्रॉफिट डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द करप्ट सोसाइटी ऑफ मक्का एंड स्टार्टेड मेडिटेटिंग इन केव ऑफ हेरा। सर केव ऑफ हेरा कहाँ पे था, इट वॉज एट जबले नूर। और उधर वो अपने साथ फूड सप्लाई लेके जाते थे, वाटर प्लस डेट्स। और वो फूड सप्लाई कौन प्रोवाइड करता था, हजरत खतीजा। जब वो फूड सप्लाई फिनिश हो जाती थी तो वापसी वो फूड सप्लाई लेते थे और उसके बाद वो क्या करते थे कि वापसी मेडिटेशन करते थे। सर ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया जी बेटा, बिल्कुल हो गया। आपको ज्यादा लंबी नहीं करनी सर। इसके बाद हम दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे जी बेटा, बिल्कुल आप दूसरा पैराग्राफ बनाओगे, उसमें आप बताओगे इवेंट्स। पहले इवेंट गौर से सुन लो, जल्दी जल्दी समझाऊंगा, उसके बाद लिखवाऊंगा, उसमें भी समझाऊंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एक ही दफा क्लियर हो जाए। सर क्या हुआ था इवेंट्स के अंदर बेटा, सबसे पहले आप ये बताओगे कि जब होली प्रॉफिट क्या थे, 40 के थे, कितने के थे, 40 के थे। तो एक दिन क्या हुआ कि होली प्रॉफिट के पास जो है वो एक बींग आए। सर कौन सा दिन था बेटा, वो जो दिन था वो वन ऑफ द ऑड नाइट्स ऑफ रमजान था। क्या था, वन ऑफ द ऑड नाइट्स ऑफ रमजान था। और ये कब हुआ सर, कौन सा साल था, 610 AD। जब होली प्रॉफिट 40 साल के थे तो होली प्रॉफिट पैदा 570 में हुए थे, तो 40 साल कब हुए, 610 AD। सर क्या हुआ बेटा, 40 साल के थे, 610 AD साल चल रहा था, वन ऑफ द ऑड नाइट्स ऑफ रमजान थी, होली प्रॉफिट केव ऑफ हिरा के अंदर मेडिटेट कर रहे थे और उसी में क्या होता है, एक बींग आते हैं। आप एंजल जिब्रील का वर्ड यूज नहीं करोगे, आप एक बींग का वर्ड यूज करोगे। क्यों बींग का वर्ड यूज करोगे, इसलिए बींग का वर्ड यूज करोगे क्योंकि आपके पास अभी हमें नहीं पता ये कौन है। सही है। तो क्या हुआ, जैसे ही वो आते हैं और वो कहते हैं इकरा, क्या बोलते हैं, इकरा। इकरा का मतलब क्या होता है सर, इकरा का मतलब होता है रीड। सही है। अब होली प्रॉफिट क्या रिप्लाई करते हैं, उन्होंने कहा आई कांट रीड। क्यों, क्योंकि ही वॉज एन उम्मी हु कुड नॉट रीड और राइट। आप ये नहीं लिखोगे ही वॉज एन इलिटरेट। क्यों, क्योंकि ये होली प्रॉफिट की क्या हो जाएगी, एक तरीके से गलत बात हो जाएगी हमारे होली प्रॉफिट के बारे में। तो हम लिखेंगे ही वॉज एन उम्मी हु कुड नॉट रीड और राइट। सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि वापसी होली प्रॉफिट को उन बंदे ने, जैसे सबसे पहली दफा इकरा जब बोलते हैं तो पकड़ के नहीं बोलते, अब जब दूसरी दफा इकरा बोलेंगे तो टाइटली स्क्वीज करेंगे और वापसी बोलेंगे इकरा। क्या बोलेंगे, इकरा। इकरा का मतलब क्या था सर, रीड था मतलब। अब दूसरी दफा स्क्वीज करके बोला तो वापसी वो बोलेंगे आई कांट
रीड सही है, जब वो आई कांट रीड बोलेंगे तो वापसी होली प्रॉफिट को रीड बोलेंगे और स्क्वीज टाइटली करेंगे, क्या करेंगे स्क्वीज टाइटली, और इस दफा होली प्रॉफिट बोल देंगे व्हाट शुड आई रीड, क्या बोलेंगे व्हाट शुड आई रीड। सर ऐसा व्हाट शुड आई रीड क्यों बोला, तीसरी दफा भी बोल देता आई कांट रीड, तो बेटा व्हाट शुड आई रीड इसलिए बोला क्योंकि जब प्रॉफिट ने अपने आगे जमाने के अंदर जब ये एक्सपीरियंस शेयर करा था तो उन्होंने कहा था कि मुझे इतना टाइटली स्क्वीज किया गया था कि अगर ये मुझे एक और दफा स्क्वीज करते तो मैं क्या हो जाता, मैं सफोकेशन की वजह से मर जाता। सही है, जो आपके फेफड़े होते हैं ना जब आपको कोई स्क्वीज करेगा, एक आपकी जगह होती है बॉडी के अंदर जहां से आपको हम स्क्वीज करेंगे तो क्या होगा कि आपकी डेथ हो सकती है। सही है, उसके बाद क्या हुआ सर, तो बेटा वापसी वो क्या करेंगे स्क्वीज करेंगे और उनको 5 वर्सेस बोलेंगे, कौन सी 5 वर्सेस सर, 5 वर्सेस कौन सी, तो बेटा रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड, ये सूरह अलक की 5 वर्सेस है, रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु क्रिएटेड क्रिएटेड मैन आउट ऑफ क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड, प्रोक्लेम एंड योर लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, ही हु टॉट अस बाय पेन टॉट मैन व्हाट ही डिड नॉट नो। तो ये 5 वर्सेस सूरह अलक की आई, ये फर्स्ट 5 वर्सेस ऑफ सूरह अलक है, और इसके बाद क्या अभी होली प्रॉफिट की रेवलेशन स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉफिट जैसी क्या करे केव ऑफ हिरा से भागे, क्यों भागे, जाहिर सी बात है अगर आपके सामने एक जिन्नात खड़े हो जाएंगे तो आपको भी क्या लगेगा डर लगेगा, तो वो फौरन अपने घर भागे, और घर भागते भागते वो जब केव से बाहर आए तो उन्होंने ऊपर किसको देखा, उन्होंने ऊपर एंजल जिब्रील को देखा, उन्हीं सेम बींग को देखा, और उन्होंने देखा कि पूरा हॉरिजॉन जो था वो कवर हुआ हुआ था एंजल जिब्रील के 600 विंग्स से, कितने 600 विंग्स से, और उन्होंने प्रॉफिट को कहा यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आई एम एंजल जिब्रील, डू नॉट बी अफ्रेड, तो डरो नहीं, और आप क्या हो मैं एंजल जिब्रील हूँ और यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, लेकिन जाहिर सी बात है फिर भी होली प्रॉफिट को डर लग रहा था, तो होली प्रॉफिट कहाँ पे चले गए, घर चले गए, कहाँ पे चले गए घर चले गए, और उन्होंने हजरत खदीजा को बोला कि मुझे आप क्या कर लें कवर कर लें। अब हजरत खदीजा ने उनको ब्लैक ब्लैंकेट से कवर करा, और उसके बाद आप ये बताओगे कि उन्होंने एक और रेवलेशन जो है वो क्या करी रिसीव करी सूरह मुदस्सिर वाली, ओ यू रैप्ड अप इन द मेंटल, ये वाली वर्ड्स लिखनी है तो लिखो, नहीं लिखनी तो नहीं लिखो, लेकिन लिख दोगे तो आप एक प्लस पॉइंट पे चले जाओगे क्योंकि वैसे ये आंसर का थोड़ा सा छोटा है, तो आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो कि राइटिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी है। उसके बाद उन्होंने हजरत खदीजा को सारी की सारी बातें जो है वो क्या करी एक्सप्लेन करी, हजरत खदीजा को जब उन्होंने सारी की सारी बातें एक्सप्लेन करी तो हजरत खदीजा ने उनको कहा कि आपके साथ अल्लाह ताला या आपके साथ खुदा कभी भी गलत नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमेशा अपने रिश्तेदारों का अपने दोस्तों का और बाकी भी जितने लोग हैं उनका सबका ख्याल रखा, और आप हमेशा क्या करते थे कि आपके पास अगर कोई गेस्ट आता था तो आप उसको हमेशा सही से ट्रीट करते थे, आपने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करी, तो अल्लाह ताला भी आपके साथ या खुदा आपके साथ कभी भी कोई गलत नहीं करेगा। हम अल्लाह का वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसलिए वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह का उस वक्त इतना कोई वो नहीं था, लेकिन आप अल्लाह का वर्ड यूज भी कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हमें इवेंट समझ नहीं आए, बेटा मैं इवेंट्स एक दफा लिखवा रहा हूँ फिर होप आपको समझ आ जाएंगे। सही है, तो होली प्रॉफिट कितने साल के थे, 40 ईयर्स, कौन सा साल चल रहा था 610 AD, होली प्रॉफिट कौन सी दिन था, वन ऑफ द ऑड नाइट्स ऑफ रमजान। सर ऑड नाइट सी तो उनको डर तो नहीं लगता था, बेटा क्यों डर लगेगा, वो मेडिटेट कर रहे थे वैसे ही अकेले जाते थे, और जाहिर सी बात है बड़े थे 40 साल के थे, तो 40 साल में अभी आप लोगों को शायद अकेले डर लगता हो रातों को, लेकिन वैसे जो है जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसको फिर इन चीजों से डर नहीं लगता। फिर आप क्या बोलोगे, एक बींग आए, बींग अपियर्ड, उन बींग ने क्या बोला, उन्होंने बोला एक रा, क्या बोला इकरा, सर इकरा का मतलब क्या होता है बेटा, इकरा का मतलब होता है रीड। सही है, होली प्रॉफिट का रिप्लाई क्या था बेटा, होली प्रॉफिट का रिप्लाई था, होली प्रॉफिट का रिप्लाई था आई कांट रीड। सर ऐसा क्यों रिप्लाई था बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया इनका आई कांट रीड वाला रिप्लाई क्यों था, वाई, बिकॉज ही वॉज एन उम्मी। सर उम्मी कौन होते हैं, हु कुड नॉट रीड और राइट। सही है, सर होली प्रॉफिट ने जब रिप्लाई किया आई कांट रीड, तो फिर एंजल जिब्रील क्या हुए, एंजल जिब्रील ने उनको, एंजल जिब्रील ने उनको स्क्वीज करा, स्क्वीज टाइटली,
और वापसी क्या बोला? एक प्रॉफिट का रिप्लाई क्या था? प्रॉफिट का रिप्लाई सेम था, क्या था? सेम, कि आई कांट रीड। एंजल ने वापसी क्या करा? एंजल जिब्रील या बींग आप लिख सकते हो। एंजल जिब्रील ने क्या करा? स्क्वीज्ड टाइटली, स्क्वीज्ड टाइटली। सर स्क्वीज टाइटली तो फिर क्या हुआ बेटा? फिर प्रॉफिट ने रिप्लाई करा। प्रॉफिट ने बोला व्हाट शुड आई रीड। सर व्हाट शुड आई रीड बोला। फिर क्या हुआ बेटा? उसके बाद वापसी एंजल ने क्या करा? स्क्वीज करा। क्या करा? स्क्वीज। और स्क्वीज करके उन्होंने क्या करी? फर्स्ट फाइव वर्सेस ऑफ सूर्य अलग। सर वो फाइव वर्सेस ऑफ सूर्य अलग लिखवाएंगे? जी बिल्कुल बेटा लिखवाऊंगा। फर्स्ट फाइव वर्सेस अभी नहीं लिखवा रहा, पहले आप ये बताओगे कि लेटर प्रॉफिट शेयर्ड दिस एक्सपीरियंस विद हिज कंपेनियंस। शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस कि उनको क्या लगा? ही थॉट ही वुड डाई ड्यू टू, ही वुड डाई ड्यू टू सफोकेशन, कि वो सफोकेशन की वजह से उनका क्या हो जाएगा? इंतकाल। सर उसके बाद क्या हुआ बेटा? अब आप फाइव वर्सेस लिखोगे कि कौन सी फाइव वर्सेस आई थी बेटा? सबसे पहली आप क्या लिखोगे? रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड। बेटा थाई लॉर्ड का मतलब होता है द लॉर्ड, सही है? तो आपकी ये पुरानी अंग्रेजी है, इसकी वजह से ऐसा है, सही है? रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु क्रिएटेड। सर दूसरी वर्स बेटा सबर रखें। क्रिएटेड मैन आउट ऑफ क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद आप ये लिखोगे कि प्रोक्लेम योर लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटिफुल, इज मोस्ट बाउंटिफुल। सर चौथी क्या लिखेंगे? ही हु टॉट अस बाय पेन। सर पांचवी क्या लिखेंगे? टॉट मैन वॉट ही डिड नॉट नो, वॉट ही डिड नॉट नो। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि फाइव वर्सेस ऑफ सूर्य अलग क्या थी। सर फाइव वर्सेस आपने बता तो दी, अब इसका रेफरेंस नंबर, बेटा रेफरेंस नंबर लिखना जरूरी नहीं होता, मैं आपको बात बता दूं, लेकिन फिर भी आप 96 ये इसकी सूरत है, और फर्स्ट फाइव है तो 1 टिल 5, सही है? लेकिन लिखना जरूरी नहीं होता। सर उसके बाद हम क्या बताएंगे कि फाइव वर्सेस, तो बेटा प्रॉफिट क्या थे? प्रॉफिट जो थे वो सरप्राइज हो गए, अफ्रेड थे तो वो क्या हुए? आउट ऑफ केव गए। जब वो आउट ऑफ केव गए तो उन्होंने केव के आउट क्या देखा? उन्होंने देखा कि एंजल जो है वो क्या कर रहे हैं? कवरिंग द हॉरिजन, और वो स्काई से बैठ के बोल रहे हैं कवरिंग द हॉरिजन विद 600 विंग्स। कितने विंग्स? 600 पर। ये किसके होते हैं? एंजल्स के होते हैं, सही है? उसके बाद सर क्या हम लिखेंगे बेटा? आप ये लिखोगे कि उन्होंने कवरिंग द हॉरिजॉन विथ 600 विंग्स, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? ओ मोहम्मद डू नॉट बी अफ्रेड, ओ मोहम्मद डू नॉट बी अफ्रेड, यू आर मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आई एम एंजल, यू आर मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आई एम एंजल जिब्रील, सही है? तो आप ये लिखोगे, लेकिन फिर भी होली प्रॉफिट कहाँ पे चले गए? होली प्रॉफिट आप बताओगे कि होली प्रॉफिट अपने घर गए, रीज होम। वो क्या कर रहे थे? वो बेसिकली घर पे गए, और आप ये भी बता सकते हो कि वो काम पर रहे थे, और होली प्रॉफिट ने हजरत खतीजा, आज हजरत खतीजा टू कवर हिम अप, टू कवर हिम अप, सही है? उसके बाद उन्होंने किससे कवर करा? हजरत खतीजा ने ब्लैक ब्लैंकेट से कवर करा। हजरत खतीजा
कवर्ड हिम, किससे कवर्ड करा? ब्लैक ब्लैंकेट, सही है। फिर आप ये बता सकते हो कि उनके ऊपर एक और वर्ड्स आई, इनके एक सेकंड रेवलेशन आई, ओ यू रैप्ड इन द मेंटल। मेंटल का मतलब वो पागल वाला मेंटल नहीं, MANTLE, मतलब चादर के अंदर जो तुम छुपे हुए हो, ओ यू रैप्ड अप इन द मेंटल, सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि हजरत खतीजा ने उनको क्या करा? हजरत खतीजा कंसोल्ड हिम, क्या करा? कंसोल्ड। सर कंसोल्ड कैसे करा बेटा? उन्होंने उनको बताया कि आपने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, तो आपके साथ भी कभी कोई गलत नहीं होगा। तो आप बताओगे कि उन्होंने उनको कंसोल्ड करा और ये सारी चीजें बताओगे। सर हमारा दूसरा पैराग्राफ खत्म हो गया। जी बेटा बिल्कुल, आपका दूसरा पैराग्राफ जो है वो खत्म हो चुका है। अच्छा उसके बाद क्या है? इसके बाद आप लास्ट पैराग्राफ बनाओगे जिसका नाम है वरका बिन नौफिल। क्या बताओगे? वरका बिन नौफिल। सर वरका बिन नौफिल के अंदर हम क्या बताएंगे? सर आप सबसे पहले बताओगे वरका कौन था? वरका बिन नौफिल, बेटा ये काफी मिसकंसेप्शन है कि ये लड़की थी या लड़का था। बेटा आप ऐसा समझो ये लड़के थे। क्या थे? अच्छा उसके अलावा वरका बिन नौफिल कौन थे? कजन ऑफ हजरत खतीजा, सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि ये जो थे बेसिकली ये क्रिश्चियन थे और ये बेसिकली जो है वो काफी अच्छे एक स्कॉलर थे। तो प्रॉफिट शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस, प्रॉफिट शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस। सर किसके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करा? विद वरका। किसके साथ शेयर करा? वरका बिन नौफिल के साथ। सर वरका बिन नौफिल ने फिर क्या बोला? बेटा वरका बिन नौफिल ने उनको कहा कि ये जो एंजल थे ये जो बीइंग थी ये कौन थी? एंजल जिब्रील। ये उन्होंने बताया कि ये एंजल ऑफ लॉ थे और ये एंजल जिब्रील थे जो आपके पास आए थे, सही है। उसके बाद उन्होंने ये कंफर्म कर दिया, ये बात कंफर्म कर दी कि प्रॉफिट क्या है? मैसेंजर ऑफ कौन से प्रॉफिट? बेटा होली प्रॉफिट की बात हो रही है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, सही है। उसके बाद सर उन्होंने और क्या बातें कंफर्म करी? उन्होंने उनको प्रेडिक्ट कर दिया। किसने प्रेडिक्ट करा? बेटा वरका प्रेडिक्टेड कि इनको क्या फेस होगी? फेस करेंगे, कौन फेस करेगा? फेस होगी ओपोजिशन, सही है। फ्रॉम किससे ओपोजिशन फेस होगी? फ्रॉम मक्कन्स, सही है। आप इसके अंदर ये बताओगे कि होली प्रॉफिट काफी शॉक हुए। क्यों शॉक हुए? कि उन्होंने जो है वो बताया, एक तो ओपोजिशन का भी बताया और ये भी बताया कि ये क्या हो जाएंगे? एक्सपेल्ड फ्रॉम मक्का। जिस पे होली प्रॉफिट को काफी शॉक लगा कि मैं अल सादिक और अल अमीन हूँ और फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। और आप ये भी बताओगे कि इन्होंने अपना सपोर्ट प्रॉफिट को दिया था, उन्होंने बोला था कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कौन सपोर्ट करूंगा? वरका बिन नौफिल। सर हमें लास्ट पैराग्राफ समझ नहीं आया, बेटा वापसी समझा रहा हूँ। वरका बिन नौफिल जो थे वो कजन ऑफ होली प्रॉफिट थे, कजन ऑफ हजरत खतीजा थे, सॉरी कजन ऑफ हजरत खतीजा थे। हजरत खतीजा होली प्रॉफिट को अपने साथ वरका बिन नौफिल के पास लेके गई और उनको सारा होली प्रॉफिट अपना किस्सा बताया कि मेरे साथ ये हुआ इस दिन। अब होली प्रॉफिट को उन्होंने बताया कि जो आपके पास बींग आए थे ये एक एंजल थे जिनका नाम है एंजल जिब्रील और ये दूसरे मैसेंजर्स के पास भी रेवलेशन लेके आते थे। आप जो है वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह एज अ चूज हो गए हो और जैसे कि हर मैसेंजर ने ओपोजिशन फेस करी, आप भी क्या फेस करोगे? ओपोजिशन फेस करोगे और आपको ये लोग मक्का से एक्सपेल्ड कर देंगे, सही है। तो उसके बाद क्या हुआ? होली प्रॉफिट काफी शॉक में गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे लोग अल सादिक और अल अमीन के नाम से पहचानते हैं, मेरी लोग इतनी इज्जत करते हैं, सब मुझे बोलते हैं कि आप सच्चे और अमानतदार हो, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? तो इसीलिए क्या हुआ कि उनको एक काफी शॉक लगा। सर इस पे कोई 4 मार्क का सवाल आता है? बेटा जी बिल्कुल, सवाल इस पे 4 मार्क का आता है। सर 4 मार्क का सवाल थोड़ा बताएं। सवाल आएगा व्हाट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रेवलेशन टेल अस अबाउट नेचर ऑफ प्रॉफिटहुड। क्या बताएंगे? अबाउट नेचर ऑफ प्रॉफिटहुड इन इस्लाम।
सर व्हाट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रेवलेशन सर, इसमें आपने अंग्रेजी बड़ी अजीब सी लिखी है बेटा। मैंने अंग्रेजी अजीब सी इसलिए लिखी है, मेरे पास जगह नहीं है। तो आप ये सवाल किस तरीके का आएगा कि आ जाएगा व्हाट डज प्रॉफिट फर्स्ट एक्सपीरियंस टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ प्रॉफिटहुड इन इस्लाम, या इस तरीके का कुछ भी सवाल आ जाएगा कि आपको प्रॉफिटहुड क्या बताता, फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको प्रॉफिटहुड के बारे में क्या क्या बताता है। सबसे पहले ही आपको पता होगा कि इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। इंसान खुद नहीं बन सकता, ये क्या होता है, गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह होता है। आप क्या लिखोगे इसके अंदर, एक वर्ड्स लिख सकते हो कि अल्लाह नोज वेयर ही हैज टू प्लेस हिज प्रॉफिटहुड, वेयर ही हैज टू प्लेस हिज प्रॉफिटहुड, कि अल्लाह को पता है कि उसकी प्रॉफिटहुड कहाँ पे उनको लगानी है। तो इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह कि ये बंदा खुद अपनी मेहनत से नहीं बनते। तो होली प्रॉफिट अपनी मेहनत से तो नहीं बने थे, खुद उनको अचानक पता चला। उसके बाद आप क्या बताओगे कि ये जो है वो जब प्रॉफिटहुड मिलती है तो कोई अलर्ट नहीं मिलता, जैसे कि होली प्रॉफिट शॉक थे। अगर उनको पहले से पता होता कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, वो क्यों डरते, वो डरे उससे पता चलता है कि ये क्या हुआ था, सडन विजिट ऑफ एंजल हुआ था। तो जिसकी वजह से आप क्या बताओगे कि ये जो है वो काफी मुश्किल होता है। फिर आप क्या बताओगे सर, ये होती है स्ट्रेंज हैपनिंग। क्यों स्ट्रेंज हैपनिंग होती है, क्योंकि जब होली प्रॉफिट के पास ये आई तो क्या हुआ, होली प्रॉफिट शॉक थे ना, होली प्रॉफिट हंस तो नहीं रहे थे, होली प्रॉफिट डर गए थे, होली प्रॉफिट भाग गए थे। तो आप ये बताओगे कि ये जो है काफी स्ट्रेंज हैपनिंग होती है, जिससे मैसेंजर्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़े से डर जाते हैं, सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि मिरेकुलस हैपनिंग्स होंगी, क्या होंगी, मिरेकुलस हैपनिंग। सर मिरेकुलस हैपनिंग आपने बड़ा मुश्किल अल्फाज बोल दिया बेटा। मिरेकुलस हैपनिंग का मतलब है मिरेकल होगा, मिरेकल का मतलब कि कोई अजीब सी चीज होगी। अजीब सी चीज क्या हुई सर, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रेवलेशन में बेटा, उन्होंने एक एंजल को देखा जिन उनके 600 पढ़ते, और उन्होंने पूरे के पूरे उसको क्या करा हुआ था, कवर करा हुआ था, सही है। सर हम कोई और बात बता सकते हैं बेटा, आप ये बात बता सकते हो कि प्रॉफिट होडी सिर्फ जो जो एंजल को देख लेता है, जो एंजल को देख लेता है वो ही मैसेंजर होता है और कोई मैसेंजर नहीं होता। तो ये हमें एक प्रॉफिट हुड के बारे में बात पता चलती है कि प्रॉफिट्स कैन सी होल, प्रॉफिट्स कैन सी एंजल जिब्रील। तो ये आपकी फर्स्ट रेवलेशन के बारे में पूरी जो है ये सारा आपके रिलेटेड है, सही है।